सीबीआई अरेस्ट एसएसआर किलर्स, ये ट्वीट 74.4K से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। लोगों में उत्सुकता, आक्रोश, गुस्सा, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे सीबीआई अपने डिसीजन को, अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट को लेट कर रही है। आखिर क्या हुआ था सुशांत के साथ? सबके मुंह पर यही सवाल है, क्या हुआ था? क्या हुआ था? मर्डर हुआ था? सुसाइड हुआ था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फाइव फॉर जिया ये ट्वीट करता है कि जिया खान के साथ जो 8 साल पहले हुआ उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सीबीआई ने कुछ उसके किलर्स को नहीं पकड़ा गया, इन शॉर्ट। लेकिन सीबीआई पर हम तभी भरोसा करेंगे जब सुशांत के किलर्स को पकड़ा जाए, ये सारे लोगों का कहना है। क्योंकि सीबीआई पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। आखिर सीबीआई का काम होता ही ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल केस, मुश्किल से मुश्किल कड़ी को तोड़े और सुलझाए। उलझी हुई चीज़ों को सुलझाना ही उनका काम रहता है, और अगर वो भी सीबीआई नहीं कर सकता तो फिर किस बात का सीबीआई। लोग सुशांत, और ये दिसंबर का महीना जैसे कि चालू हो चुका है, सुशांत की कई मूवीज़ के कैरेक्टर को याद किया जा रहा है और उनके गाने को याद किया जा रहा है। 4 कदम जो PKX का उनका गाना था, और सरफराज जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था PK में, केदारनाथ जो उनकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज़ थी जिसमें उन्होंने मंसूर खान का किरदार निभाया, तो उसके भी गाने बहुत हिट गए थे। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में याद की जा रही है दिसंबर में। लोग जो कुली नंबर 1 का ट्रेलर डाल के उसकी बुराई कर रहे हैं सुशांत के मामले में, क्योंकि नेपोटिज्म भी एक बहुत बड़ा एंगल दिखा गया था। खैर वो सब अलग बात है। तो यही थी आज की न्यूज़, आप लोग देखते रहिए एंड जस्टिस फॉर SSR। धन्यवाद।